लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी अभियान का किया आगाज, 2022 में किया बीजेपी की जीत का दावा। उत्तराखंड में आप करेगी रोजगार यात्रा का आगाज, कर्नल कोठियाल होंगे शामिल, वोटरों को साधने की होगी कोशिश। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य पहुंचे अरविंद नगर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, हाईजेक किट का क्या वितरण। अमेठी में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, महिला समेत 9 लोग घायल, 4 की हालत ज्यादा नाजुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। 31 अक्टूबर को रुड़की के पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में घोषित सीएम का चेहरा कर्नल कोठियाल पहुंचेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस दिन को बेरोजगारी यात्रा का भी नाम दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस यात्रा में सभी उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की गारंटी भी लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग आज बेरोजगारी को लेकर त्रस्त हैं। इसको लेकर कर्नल कोठियाल के पिरान कलियर पहुंचने पर भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की भी उम्मीद नजर आ रही है। तो 31 को रोजगार यात्रा का आगाज किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पैर पसारती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ सीएम चेहरे के साथ लगातार चुनावी एक्शन, चुनावी मोड में नजर आ रही है। देखिए, 31 तारीख को दिन रविवार हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तिरंगे यात्रा में और इसको हम रोजगार यात्रा का भी हमने नाम दिया है उसमें शामिल होंगे। और हमारी जो सभा संबोधन होगा हज हाउस के सामने जो एरिया है वहाँ पर एक सभा का संबोधन होगा और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए तिरंगे और झंडों के साथ अपना जो हमारा पिलखन चौक है वहाँ से, पीपल चौक जो है वहाँ से, सैतान चौक से और अपना वीआईपी रोड से होते हुए पीरान कलियर दरगाह जो साबिरबाग की दरगाह है वहाँ पर चादर पोशी करेंगे। चमोली में पहली बार फैशन को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फैशन और मॉडलिंग में भी युवक और युवतियां अपना भविष्य बना सकती हैं, जिसके चमोली के दूर दराज वाले इलाकों के युवक और युवतियों में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में चमोली जिले में इस तरह के आयोजन युवक और युवतियों को फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अवसर देंगे। वहीं आयोजन समिति की समय नीलम डोडियाल ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं में फैशन और मॉडलिंग की क्षमता है, लेकिन अवसर न मिलने के चलते युवा इस क्षेत्र में भविष्य नहीं बना पा रहे, जिसे देखते हुए यह आयोजन गोपेश्वर में कराया गया है। तो चमोली में मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर फैशन को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 26 अक्टूबर को हमारी सिटी गोपेश्वर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक कंपटीशन था मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड 2021 की। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, अगर और बच्चे करते तो काफ़ी अच्छा लगता। तो मैं आपको ये बताते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने इस कंपटीशन में सेकंड पोजीशन जो है हासिल किया और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, वैसे ये फर्स्ट टाइम हमारी सिटी में ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ है और ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और खुश भी हूँ कि इस पोजीशन को मैंने हासिल किया इतने सारे बच्चों के बीच में। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक महेंद्र राणा इतनी तेजी से चल रहा है, इस युग को आधुनिकता का क्रांतिकारी युग बोला जा सकता है, क्योंकि किसी भी समय में बदलाव अपने आप नहीं आते, बदलाव को लाना पड़ता है और उसके पीछे की ये प्रक्रिया शिक्षा के बिना असंभव है। हर दिन हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने एक ऐतिहासिक पहल की है। उनकी तरफ से यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत कई स्कूलों में 800 जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया गया और इन बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। पौड़ी की तस्वीरें बच्चों के भविष्य को लेकर ऐतिहासिक पहल की गई है। दरअसल 800 जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया गया है, उनकी शिक्षा का जो भी खर्चा होगा वो इनके द्वारा उठाया जाएगा। आज उच्चतम माध्यमिक विद्यालय अमोला
और जनता इंटर कॉलेज चमकोट, चमकोट खाल। मैं मेरा बच्चों से रूबरू है, उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनसे मेरी वार्ता है, और उन बच्चों को जो सामान वितरण बुक है उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आज हम उनको सब चीज़ें देंगे, और उनके भविष्य में हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र से उन बच्चों से हम वार्ता कर सकते हैं, उनके फ्यूचर में किस तरह से हम अच्छे यहाँ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अच्छे कॉलेज खोल सकते हैं, अच्छे स्टेडियम खोल सकते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। नैनीताल के पास कालाडूंगी मार्ग में स्थित कब्रिस्तान के पास एक शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों की तरफ से नैनीताल कोतवाली को दे दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाल प्रीतम ने बताया कि मृतक की जेब में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से सुसाइड करने की बात कही है। नैनीताल की तस्वीरें जहाँ पर पेड़ पर लटका युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया है। सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि यह खुदकुशी उसने अपनी मर्जी से की है। रुड़की के खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव में हो रही श्री राम कथा का आज चौथा दिन था, जहां कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और चैंपियन की पत्नी रानी दिव्यानी सिंह राम कथा में भाग लेने के लिए पहुंची। तभी वहां मौजूदा एक पत्रकार ने जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश की तो रानी दिव्यानी सिंह और उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह उस पत्रकार पर बिगड़ गए और पत्रकार को दिव्य प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रानी दिव्यानी सिंह ने घेर लिया और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े। कुंवर दिव्य प्रताप सिंह ने पहले पत्रकार के साथ जमकर मारपिटाई की, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने पत्रकार का मोबाइल वापस कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने सारी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिव्य प्रताप सिंह ने पत्रकार के साथ मारपिटाई की है। दरअसल रामकथा का यहाँ पर आयोजन हो रहा था, ऐसे में रुड़की में वर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे हुए थे अपनी माता श्री के साथ, और यहाँ जब भी पत्रकारों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पहले तो उन्हें डराया धमकाया, फिर उसके बाद मारपिटाई करने की भी कोशिश की है। पत्रकार का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। दरअसल रुड़की के खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गाँव में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा था, जहां कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और चैंपियन की पत्नी रानी दिव्यानी सिंह रामकथा में भाग लेने पहुंची थी। तो वहां मौजूदा एक पत्रकार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो रानी ने और उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने उस पत्रकार को जमकर पीटा है और उसके बाद उसे घेर लिया। कुंवर दिव्य प्रताप सिंह ने पहले पत्रकार के साथ मारपिटाई की, फिर उसका मोबाइल फ़ोन भी छीना। हालांकि कुछ देर बाद पत्रकार का मोबाइल वापस कर दिया गया, लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऊधम सिंह नगर के सिबांत खटीमा में लोक निर्माण विभाग की तरफ से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परीक्ष लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत ने डिवीजन में चल रहे कार्यों को लेकर बातचीत की। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों को लेकर बातचीत की गई है। दरअसल यहाँ पर निर्माण विभाग की तरफ से सड़क निर्माण कार्यों को लेकर काम किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रुद्रपुर परीक्ष लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत ने डिवीजन में चल रहे कार्य को लेकर बातचीत की। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो नए प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खटीमा डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था, ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी
10-12 रोडों में चल रहा है। सितारगंज में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अरविंद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और गरीब परिवारों को हाइजेनिक किट बांटकर उनकी जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कोरोना को लेकर भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से जरूर साफ करें। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की मुसीबत में रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी और आगे भी अगर कोई मुसीबत आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य पहुँचे अरविंद नगर में और यहाँ पर हाइजेनिक किट जो है वो लोगों को बांटते हुए नजर आए। दरअसल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है अरविंद नगर, जहाँ पर ये लोग पहुँचे थे। उन्होंने लोगों के घर पहुँचकर उनका हालचाल भी जाना है, गरीब परिवारों से मुलाकात की, हाइजेनिक किट भी बांटकर उनकी ज़रूरतों का सामान उपलब्ध कराया। रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कहा है कि कोरोना को लेकर हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें। रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की मुसीबत में रेडक्रॉस सोसाइटी हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। सितारगंज शाखा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा किया, उसी के क्रम में हमें जो है मुख्यालय से एक किट प्राप्त हुई, हाइजेनिक किट। उसको जो है आपदाग्रस्त लोगों में जो आपदा से पीड़ित हो गए थे उन लोगों में जो है आज हमने आपदा किट जो है हाइजेनिक किट जो थी वो हमने वितरित की। उसी के साथ हमारे साथ जो है सोनू जायसवाल जी, अनवास सुहेल जी और रविंदर जिंदल जी, शिवम सिंगल जी, इन सभी पूरी टीम ने आज अरविंद नगर गाँव में पहुँच कर करीब 50 से 100 लोगों को हाइजेनिक किट का वितरण किया और वहीं उनको भरोसा दिलाया कि द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके सभी रेडक्रॉस सोसाइटी के लोगों ने हाइजेनिक किट जो रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आई थी उनका वितरण किया है। उसमें हमारे साथ जो रहे हैं सहयोगी रवि रस्तोगी, अनवार सुहेल, शिवम सिंगल, अंशुल अग्रवाल, रविंदर जिंदल। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मात्र 1.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। अभी भी बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भीड़ है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों को लाइन में लगना पड़ रहा है। अंतिम चरण की यात्रा में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होने का लाभ स्थानीय बेरोजगारों को भी मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण 1 साल लगभग 4 महीने तक केदारनाथ धाम की यात्रा बंद रही। मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा खोलने की अनुमति नहीं मिली। बाद में 18 सितंबर से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। कुछ दिनों तक ई पास की अनिवार्यता होने के कारण एक दिन में मात्र 800 लोग ही केदार की यात्रा कर सकते थे, लेकिन बाद में ई पास की बाध्यता समाप्त होने के बाद केदारनाथ आने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन 15,000 के आसपास भक्त केदारनाथ पहुँचने लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मात्र 1.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं और अब भी दरबार में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। भक्तों को लाइन में लगना पड़ रहा है अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। लगभग 2 लाख से अधिक यात्रियों ने जो दर्शन किए हैं और घाटी में बड़ी प्रसन्नता है, सभी लोगों में जो है खुशहाली है और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं आने वाले सीजन में जो है इससे भी ज़्यादा लोग जो है श्री केदारनाथ धाम में आएंगे और सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन तीर्थपुरी समाज करता है और एवं बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सबकी पूजा दर्शन किया गया। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ सबको सदबुद्धि प्रदान हो और आगे भी सबको ये प्रेरणा मिले कि ये जो चारों धामों की यात्रा है बहुत अच्छे ढंग से ये चलते रहे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ज्यादातर राज्यों में तेल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। कई राज्यों में तो 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए से ज्यादा की कीमत पर बिक रहा है। इस वजह से हर दिन जनता की जेब ढीली हो रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी सरकार जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है उसे देखकर तो ये लगता है कि वो जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है। अगर सरकार का पेट्रोल डीजल पर कोई नियंत्रण नहीं है
तो फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्यों में आज पेट्रोल के दाम में 43 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल के दाम में 44 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में पेट्रोल के दाम आज करीब 105 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 105 रुपये 70 पैसे रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल 97.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.94 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। राजस्थान के पाली में जिला मुख्यालय पर बांगड़ महाविद्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में हिंदू संप्रदाय और अनेक हिंदू संगठनों की तरफ से राज्य सरकार ने बांगड़ महाविद्यालय में मुस्लिम समाज के छात्रों के लिए छात्रावास की घोषणा पर भूमि आवंटन करने पर इसका विरोध किया। हिंदू संगठनों की मांग है कि एक जाति विशेष वर्ग को छात्रावास के लिए भूमि आवंटित कराकर सरकार ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राज्य सरकार के इस फैसले से समाज में गलत मैसेज जाएगा। सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। छात्रावास से सांप्रदायिक माहौल पैदा हो सकता है। पाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। काफी संख्या में यहां पर पुलिस बल मौजूद रहा। ये कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा गैर हिंदुओं को यहाँ कुछ छात्रावास बनाने के लिए दिया गया जमीन, उसमें प्रभारी मंत्री आकर एलोमेंट कर देते हैं और जो बांगड़ कॉलेज 36 कौम की है उनको एक किसी एक जाति के लिए ये नहीं दे सकते यहाँ पे छात्रावास। इसलिए सभी हिंदू वर्ग एकजुट होकर सभी संगठन मिलके यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। 4 दिन से लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। आज एक उग्र आंदोलन किया गया कॉलेज परिसर के बाहर, इसलिए किया गया कि ये सरकार अगर दीपावली तक अगर ये नहीं करेंगे तो इससे भी उग्र हिंदू आंदोलन करेंगे और शिवसेना फुल जोर आंदोलन करेगी और भूख हड़ताल पर बैठेगी कॉलेज परिसर के बाहर। गुस्सा फूटा हुआ नजर आ रहा है। कई छात्र यहां पर पहुंचे हैं और अलग से जो मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए जो जमीन आवंटित हुई है छात्रावास के लिए उसका विरोध करते हुए नजर आए। पाली के जिला मुख्यालय की भील बस्ती, भटवाड़ा, वाल्मीकि बस्ती, बजरंग नगर, नया गांव सहित अन्य वार्डों के निवासियों ने गंदगी और कचरे से परेशान होकर नगर परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद सभापति की तरफ से ज्ञापन नहीं लेने पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन बताया गया है कि बीते कई समय से बस्तियों में किसी भी तरह की स्वच्छता मिशन के तहत कोई सफाई नहीं हो रही। तालाबों, बगीचों, सार्वजनिक शौचालयों पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कीचड़ से बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और डेंगू का शिकार भी हो रहे हैं। पाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों ने यहां पर स्वच्छता मिशन की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई साफ सफाई उनके क्षेत्र में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार लग रहा है। ऐसे में बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं, डेंगू की समस्या भी बढ़ रही है। जो पाली शहर स्वच्छ भारत मिशन में राजस्थान पे एक नंबर था, उस शहर की हालत सफाई को लेकर बदतर हो गई है। बगीचों की हालत बहुत ख़राब है, तालाब के किनारे कचरों के ढेर पड़े हैं, सफाई कर्मचारियों की कमी है और खासकर जो शौचालय बने हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनकी हालत भी बद से बदतर है। विकास कार्य के मामले में भी अपने चाहते ठेकेदारों को पेमेंट कर दूसरे वार्ड विकास कार्य नहीं हो पा रहे, उसके कारण कार्य बाधित भी हो रहे हैं। इस मामले को लेकर हम सभापति महोदय के पास गए थे, सभापति महोदय ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, हम कलेक्टर साहब के पास आए। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की राहगीर युवती से नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान युवती स्कूटी निकाल रही थी, वहीं जब किसानों की तरफ से युवती को स्कूटी निकालने से रोका गया तो युवती कार्यकर्ताओं से भिड़ गई। वहीं महिला किसान कार्यकर्ताओं ने भी राहगीर युवती से अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद राहगीर युवती ने किसान कार्यकर्ताओं को जमकर खरी कोठी सुनाई है। वहीं एक किसान युवक ने राहगीर युवती को भाग जाने की नसीहत भी दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और कलेक्ट्रेट गेट के सुरक्षाकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। राहगीर युवती से बाद में किसान नेता ने कई बार माफी भी मांगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बुलंदशहर के, जहां पर महिला किसान कार्यकर्ता ने अभद्रता की है राहगीर महिला से। पर्सनल तो समझ ही नहीं है, तो एक मुझे बात बताओ तुम कहीं आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, निकलने दो मैं कह रहे हैं। हमारा काम है तो ये भी मेरा ही काम है,
कुछ ना कुछ मेरा ही काम दो। हमारा कुछ ना कोई काम ना है, हम फ्री बैठे हैं, हमारे कोई काम ना है। वो हमारी ना सुन, हेडियो भाई भाई एक मिनट फंस गया। अरे मैं चढ़ा दूं, हमारे को चढ़ा दो। हां मैं भी उनको चढ़ा दूं, फिर तुम मेरे को जेल में भेज दो। तुमने मेरे से कहा है, शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शामली के कलेक्ट्रेट में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी शामली को ज्ञापन देकर जल्द गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि दिवाली सर पर है और उनका बकाया गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो वो लोग दिवाली कैसे मनाएं। तो शामली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिना गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने शामली के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि अभी तक हमें गन्ने का जो भुगतान है वो नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो दीपावली का त्योहार कैसे मनाएंगे। सरकार जब से बनी है 2017 से लगातार ये वादा कर रही है कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पश्चिमी यूपी की 22 सभाओं में ये कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। केंद्र के गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने भी वादा किया था कि एक तरफ बुग्गी तोलिए और दूसरी तरफ आप चेक ले लीजिए, 14 दिन में भुगतान होगा। कैराना में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए हैं, पूरा सीजन बीत गया है, कहीं भुगतान नज़र नहीं आ रहा है। ये सरकार आंकड़ेबाजी का खेल करती है, कहती है 145 करोड़ हमने भुगतान कर दिया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि किसान को भुगतान से मतलब है, आंकड़ों से मतलब नहीं है। बेगूसराय में अतिक्रमण को लेकर सदर एसटीओ, सदर डीएसपी और नगर निगम के प्रशासन के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सड़कों पर उतर गए। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नगर निगम क्षेत्र के ट्रैफिक चौक पर मुख्य सड़क के दोनों किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को पुलिस बल की तरफ से हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बेगूसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सड़क पर जो अतिक्रमण किया हुआ था, ऐसे में वो हटाया गया है, तो डीएम के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण अभियान चला है। ऐसे में जो भी सड़क पर व्यापारी नजर आ रहे थे, उनमें हड़कंप का माहौल देखने के लिए मिला। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में पैसा मांगना पत्नी को महंगा पड़ गया। पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं हमला देखकर मां को बचाने आए बेटे पर भी पिता ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए मां और बेटे को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुशीनगर के विधानसभा 332 फाजल नगर से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश्वर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। वहीं उन्होंने सपा से चुनाव लड़ने पर पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बीजेपी को दोषी भी ठहराया है। देखिए, राजेश्वर सिंह जी, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूंगा। चूंकि सपा सत्ता वापसी की ओर काफी अग्रसर दिखाई दे रही है, तो सपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है? चूंकि यहां से विधायक भाजपा के हैं, और आपका मुद्दा क्या है सपा? आप इस क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों देगी, इस पे हम जानना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कृषक समाज, छात्र, नौजवान,
बेरोजगार गरीबों के विकास की बात करना चाहते हैं उस स्तर पर भाजपा इस क्षेत्र के या प्रदेश के विकास नहीं कर रही है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वो चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसान ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स हो पर क्विंटल वो उनको उचित रूप में मिले और उसके लिए कानून बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बात कर रहा था इस विधानसभा से 332 है और बड़े बेबाकी से आपने जवाब दिया। मैं न्यूज़ इंडिया में इनका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।